निरंतर परिवार में आप सभी लोग का स्वागत है। आज हम लोग के बीच में सुबह 9 से 11 बैच में बालक वर्ग में पढ़ने वाले जय हिंद जी, जो जिला अम्बेडकर नगर से हैं, आपके पिता का नाम श्री भागीरथ जी हैं, भागीरथी जी हैं, और आप ग्राम गौरा गुजर बाहिमपुर कुसुम ग्राम ए पोस्ट है, मतलब ग्राम आपका गौरा गुजर है, पोस्ट ब्राहिमपुर कुसुम कुसमा टांडा अम्बेडकर नगर से आप हैं, और आपने भी पढ़ाई करके 9 से 11 बैच में आपने 2016 के भी माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में 2.5 से 3 महीना लगभग पढ़ करके 2016 के विज्ञापन में भी आपने इंटरव्यू दिया, लेकिन आप बहुत कम समय पे ही थे, आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया कुछ अंकों के साथ। फिर आपने दोबारा 2021 के विज्ञापन में आपने शुरू किया और लगातार निरंतर परिवार से लगे रहे। इसका परिणाम ये हुआ कि आपने पूरे उत्तर प्रदेश में TGT में जनरल में 23वीं रैंक आपने लाया है, और प्रवक्ता में अपने कैटेगरी में तो आपने 5वीं रैंक लाया, लेकिन जनरल में 234वीं रैंक पे आप प्रवक्ता परीक्षा आपका फाइनल सिलेक्शन हुआ। इसके अलावा आप लोग आपने 3 बार नेट परीक्षा उत्तीर्ण किए पढ़ाई के दौरान, और आपने 1 बार JRF उत्तीर्ण किया। जूनियर में आप परीक्षा उत्तीर्ण की 119 अंकों के साथ, GIC में प्रारंभिक परीक्षा आपने उत्तीर्ण किया, TGT में भी, PGT में भी, दिल्ली अधीनस्थ TGT में भी आपके नाम आए। तो मैं ऐसे जय हिंद जी का परिचय कराने जा रहा हूँ, आप लोगों को बहुत अत्युक्त लगेगा, लेकिन आप लोगों ने बहुत ही मेहनत किया, और आप लोग कहते भी हैं कि सफल होने के लिए बोलना कम है, सुनना ज़्यादा है। आप लोग बोलते बहुत कम थे, सुनते ज़्यादा थे, तो आपने अपने वयस का और पूरे परिवार का, पूरे निरंतर परिवार का, अपने ज़िले का नाम रोशन किया है कि पूरे UP में आपने 23वीं रैंक लाई, और अपने कैटेगरी में आपने 5वीं रैंक लाई, लेकिन आपके जनरल कैटेगरी में आपने प्रवक्ता में 234वीं रैंक लाई, तो आपका सिलेक्शन TGT में नहीं हो पाया इसी कारणवश। अच्छा, बहुत सारे लोग प्रतियोगी कहते हैं कि सर जो लोग बोल नहीं पाते वो सफल हो रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, बोलना दूसरी बात है, सफल होना दूसरी बात है। ये मत सोचिए आप बहुत अच्छा बोलते हैं आप सफल हो सकते हैं, कंपटीशन में आप कितना अच्छा करते हैं वो महत्वपूर्ण है। तो जय हिंद जी ने, और बहुत अच्छा भी लग रहा है मुझे, बहुत सारे लोग अशुक्त कहते थे, और परीक्षा के समय बहुत सारे लोग गुमराह भी होते थे कि ऐसा आएगा पेपर, लेकिन जय हिंद जी ने बड़ी ईमानदारी के साथ, बड़ी गंभीरता के साथ पढ़ाई करके आपने निरंतर परिवार का नाम रोशन किया है। मेरा उद्देश्य प्रचार नहीं है, मेरा उद्देश्य है कि देखिए, आप भी जिला अम्बेडकर नगर से होने के बावजूद भी आपने रेगुलर, अभी पूछ रहे थे, बता रहे 99% हम रेगुलर रहा करते थे, हमेशा टेस्ट में रहना, हमेशा क्लास में रहना, हमेशा रेगुलर कोचिंग में बैठे रहना, और आपने इतनी उपलब्धि हासिल की। अगर आप TGT 2016 में नहीं उत्तीर्ण, पर फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ, तो 2021 में जब आपका अवसर आया तो आपने नेट, JRF, जूनियर में, GIC में, TGT में, PGT में, और दिल्ली अधीनस्थ में, इतने भर्तियों में आपके सिलेक्शन हुए। तो आज हम लोग के बीच में जयहन जी हैं और अपनी सफलता के बारे में बताएंगे, और आपका जो विद्यालय मिला है सबसे अच्छी बात है, सिलेक्शन पाना इम्पॉर्टेंट से ज़्यादा अच्छे जगह पहुंचना। आप जिला आजमगढ़ में ऐसे विद्यालय में आपका सिलेक्शन हुआ है जो बहुत ही काफ़ी संख्या में बच्चे पढ़ते हैं वहाँ पे, जो उद्योग विद्यालय इंटर कॉलेज कोलासा जो जिला आजमगढ़ में है, और उसमें आपका सिलेक्शन हुआ है, और आपने माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के TGT पद को आपने ज्वाइन किया है। आपका प्रवक्ता भी हो गया था, लेकिन आपने TGT ही ज्वाइन किया है। तो आज जय हिंद जी हम लोग के बीच में हैं, जो पूरी UP में 23वीं रैंक ला करके आप लोग के बीच में हैं। धन्यवाद सर जी। सर, प्रथम गुरु जी के चरणों श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए अपनी वाणी प्रारंभ करूँगा। कोचिंग में आने के पहले नॉर्मल है, सब लोग आते हैं, एडमिशन होता है, मेरे साथ भी वही हुआ। तो आया तो स्टार्टिंग में ही मुझे ये समस्या होती है कि जब आप ना पढ़े हो, एकाएक कोचिंग में आ गए, तो समस्या ये होती है कि समझ पाना ना समझ पाना, ये समस्याएँ होती है। लेकिन आप रेगुलर जब बैठोगे तभी समझ पाओगे। तो एक हफ्ते तो बैठना शुरू हुआ, बैठते बैठते धीरे, माइक पे मैं कभी नहीं पढ़ा था, यहीं आके माइक पे तो आधा आवाज़ समझ में नहीं आता था। तो ये है कि ये नहीं था कि समझ में नहीं आता, सुनाइए नहीं पड़ता था क्या है कैसे है, लेकिन धीरे धीरे जब समझ में आया तो ये समझ में आया कि माइक पे जो पढ़ाई होती है वो बहुत बेहतरीन होती है, थोड़ा सिलो बोल के भी बहुत तेज़ सुना जा सकता है और बहुत दूर तक आवाज़ पहुँच जाएगा। तो ये स्टार्टिंग हुआ, फिर इसके बाद ये समस्याएँ नहीं आई।
सो 18-19 के आसपास मेरा एडमिशन हुआ था। तो स्टार्टिंग में 16 में जो दो ढाई महीने पढ़ के इंटरव्यू दिया, नहीं हुआ। कोई वो नहीं, वो होता है, दुख होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा दुखी तो नहीं हुआ, क्योंकि मुझे पता था कि मैं वो कर्म ही नहीं कर पाया कि मेरा सिलेक्शन हो। लेकिन फिर मैं प्रयास किया कि हो जाता तो ठीक था, लेकिन घबराया नहीं। फिर अगली तैयारी में रेगुलर करता रहा और क्लास में रेगुलर, बहुत ही रेयर केस में मैं घर गया और क्लास ना कर पाया, नहीं तो रेगुलर में क्लास करता ही रहा। मतलब 90-99% तक मैं क्लास में हाजिर रहता था। टेस्ट तो मैं कभी नहीं छोड़ता, टेस्ट तो मैं घर से आके पकड़ लेता था, टेस्ट नहीं जाने देता। क्लास एक आध दो मिस हो गया कोई बात नहीं, लेकिन टेस्ट तो मैं संडे को आके सोमवार को जो है वो पकड़ लेता था अक्सर। तो बाकी रेगुलरिटी और गुरु जी का जो है मार्गदर्शन, इसी में जो है सिलेक्शन तो हुए, काफ़ी जगह हुए, लेकिन करना तो आपको एक ही जगह है। तो गुरु जी का जो मार्गदर्शन रहा बहुत उच्च कोटि का, और उसी का परिणाम है कि इतनी जगह जो है सिलेक्शन हुए हैं। अच्छा, आपने जब टेस्ट में आए होंगे संस्थान में, तो आपने शुरुआत कितने प्रश्नों से किए थे? स्टार्टिंग में जब मैं पहला टेस्ट मेरा था, तो पहला टेस्ट मेरा जो है 90 क्वेश्चन मैं सही कर पाया था, लेकिन उसके बाद मेरे कुछ क्वेश्चन घटे भी थे। और फिर स्टार्टिंग और जब 90+ होना शुरू हुआ, 90 और 100 के बीच में तो काफ़ी समय लग गया मुझे 100+ करने में, 3-4 महीने बाद ही मैं कर पाया। लेकिन यही कि जब 100+ करने लगा तो मेहनत करने का जो है जज्बा भी आया, जोश भी आया, तो और मेहनत किया गया कि अब 100 के नीचे नहीं जाने देना है किसी भी कीमत पे। बहुत हार्ड होना बात है, तो सबका मेरिट गिनना है, उसमें सबको नीचे आना है। लेकिन अगर नॉर्मल पेपर होता रहा तो 100 के जाने के बाद बहुत रेयर केस में ही कि 100 के नीचे मैं आने दिया, मेहनत बराबर करता रहा मैं। अच्छा जहन जी आपने देखिए बहुत सारे हम लोग को आलोचनाएँ सुनी मिलता था, लेकिन बहुत मैं खुश हूँ कि आज आप जैसे शिष्य लोग मेरा नाम रोशन किए। तो आपने बताया भी शायद कि आपको भी डेंगू हो गया था, शायद हम भी उसके शिकार रहे हैं और विकट परिस्थितियों में, उसके बावजूद आपने इतनी परीक्षाओं को उत्तीर्ण किया। तो आपने जैसे जैसे जितनी परीक्षाएं आपने दिया, जैसे आपने कहा मैं नेट 3 बार हूँ, मैं JRM भी उत्तीर्ण किया, और कितने समय में आप संस्थान में रहे इलाहाबाद में, और आपने PGT TGT और इतना अच्छा रैंक लाए आप, तो कहीं अतिशयोक्त ये कैसे आप पढ़ाई की कितना अध्ययन करते थे? कोचिंग में बहुत सारे लोग पढ़ते हैं, लेकिन देखिए आप कैसे बैठ करके पढ़ा करते थे, और लोग क्यों नहीं ला पाए, और कितना गंभीरता होनी चाहिए एक प्रतियोगियों के अंदर, ये बताने का प्रयास करेंगे। कोचिंग में एडमिशन सर मेरा जो है 18 लास्ट के आसपास हुआ था, यही अक्टूबर नवंबर का महीना रहा होगा जहाँ तक मुझे याद आता है। उसके बाद एक आध महीने कोचिंग बंद भी थे, शायद उसमें चुनाव उनाव आ गया था क्या कैसे था। तो उसके बाद फिर इधर TGT का पेपर हुआ 2-2.5 महीने मार्च अप्रैल के आसपास। फिर उसके बाद जब रेगुलर जुड़ा रहा, लगभग 3-4, जब तक सिलेक्शन नहीं हो गया तब तक मैं कोचिंग से जुड़ा रहा, मतलब जब रिजल्ट आ गया तभी जाके ज्वाइनिंग हो गई, तब जाके कोचिंग छोड़ा। नहीं तो कोचिंग से मैं चाहे ऑफलाइन ऑनलाइन किसी ना किसी तरीके से, जो चाहे घर पर रहूँ या रूम पर रहूँ, जुड़ा रहा। और पढ़ने का तरीका ही है कि हमेशा गुरुजी एक चीज़ बोलते हैं कि आप लोग सुबह उठिए 5 बजे ही उठ जाइए। तो आज भी मेरे मोबाइल में 5 बजे का अलार्म सेट है, 5:05। अगर 5 भी मैं भाई काफ़ी, अगर ये है कि नहीं रात में लेट सोया, 1 बज गया 2 बज गया, तो 5 को नहीं उठ पाया तो 6 को ज़रूर उठ जाऊँगा। लेकिन 5 बजे मैं यहाँ जब तक इलाहाबाद में रूम पे था 5 बजे उठ जाता था, चाहे मैं कुर्सी पे बैठ के 1 घंटे सो लूँ। कभी कभी ऐसा दिन आता है कि नींद बहुत लगती है, तो कुर्सी पे बैठ के मैं 15 मिनट 10 मिनट आधा घंटा सो लेता था, लेकिन मैं अपना बिस्तर छोड़ देता था। 5 से रेगुलर काम करने के बाद 8 बजे उठ के सीधे जो मैं पहुँचता था वो ब्रश करना, नहाना धोना, नाश्ता करना, फिर उसके बाद सीधे कोचिंग। कोचिंग से जाने के बाद फिर वही अपना बनाना खाना, फिर मैं 1 बजे तक खा पी लेता था, कुछ 10-15 मिनट अगर इच्छा हुआ तो कुछ देख लिया, नॉर्मली ऐसे देख लेता था, पढ़ता नहीं था खाने के बाद, बस ऐसे देख लेता था, फिर सो जाता था। 3 बजे का अलार्म आज भी मेरे मोबाइल में सेट है। कुछ लोग कभी कभी ऐसी जगह पर रहता है तो अलार्म बजने लगता है तो कहते हैं कि अरे अब तो बंद कर दीजिए, तो मैं बोलता नहीं, अभी 3 और 4, 1 5 और 6 और 1 3 और 4, ये अलार्म मेरा मोबाइल में आज भी सेट है। तो
3 बजे उठकर 7 बजे तक मैं रेगुलर पढ़ता था, फिर मार्केट जाना, बहुत ज़्यादा समय नहीं लेते थे मार्केट में, जाना आना 15-20 मिनट, उसके बाद फिर 9-10 बजे तक पढ़ते थे, फिर वही बनाना खाना, फिर कुछ वैसे देख लेना नॉर्मल सोते हुए, फिर सो जाते। हाँ, अक्सर सोने के पहले वही चीज़ देखते थे कि जो सबसे हार्ड हमको लगता था, कि जो बहुत ज़्यादा विस्मृत होती थी, मन से भूलने वाला, जो कहते ना कि बार बार ये चीज़ भूलती, तो सोने के पहले और सोने के बाद वही दो ज़्यादा उस पर फोकस करते थे कि जो हमको सबसे ज़्यादा कठिन लगता था। तो सो गए तो कभी कभी सपने में भी वो आने लगता है, अगर आप कोई किसी चीज़ को बार बार देख रहे हैं तो सपने में भी आने लगता है, तो अगर सपने में आने लगा तो इसका मतलब कि अब वो आप भूलने वाले नहीं हो, अब वो हमेशा याद रहेगा। तो पढ़ाई का शेड्यूल यही मेरा था, बाकी जैसे जैसा गुरुजी निर्देश देते रहे वैसे वैसे मैं वार करता रहा, और बाकी समस्याएं भी कुछ बीच बीच में आती रहीं, बीमारियां और ये सब तो लगा रहता है, लेकिन यही है कि भाई आप लोग भी स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए, और एक बात और है कि अगर आपका बॉडी जो शरीर है वो 12 घंटे 14 घंटे पढ़ने का वो नहीं करता अलाउ, तो आप 8 घंटा पढ़िए 9 घंटा पढ़िए, लेकिन जब तक पढ़िए वो पढ़िए, फार्मेलिटी अदा मत कीजिए कि मैं 12 घंटे 14 घंटा पढ़ रहा हूँ, उससे कोई नहीं, आप पढ़ रहे हैं यहाँ और दिमाग कहीं हो तो उसका कोई मतलब नहीं, पढ़िए 9-10 घंटे, 12 घंटे तक, अगर 10 घंटे 9-10-11-12 तक आप पढ़ लेते हैं तो उसमें आपको, मुझे जहाँ तक उम्मीद है, तो आपका सिलेक्शन होने से कोई रोक नहीं सकता। अच्छा जहन जी, इतने पेपर कठिन में आपने टीजीटी में कितने प्रश्न किए होंगे आप? सर जहाँ तक मैं मिलाया हूँ तो मेरे जो है 92 क्वेश्चन थे टीजीटी में, और पीजीटी मेरे 100+ थे, 103-104 के आसपास पीजीटी में, और 92 क्वेश्चन मेरे टीजीटी में थे। और जूनियर में कितने प्रश्न रहे होंगे? जूनियर में सर तो अभी तो उसका रिजल्ट आ गया है तो उसमें 119 क्वेश्चन मेरे हैं। तो आपको जब JRF परीक्षा उत्तीर्ण किए, जब JRF आपने उत्तीर्ण किया तो कैसा महसूस हुआ, कि आपको ऐसा लगा कि हम सफल हो रहे हैं धीरे धीरे और हमें तैयारी हमारी अच्छी हो रही है ऐसा? जी नेट तो हुआ, यही कोचिंग स्टार्ट मेरा यहाँ नेट से हुआ, जब मैं आया तो मेरे पास कोई ऐसी वो नहीं थी कि मैं बता सकूँ मैं नेट हूँ, लोग से सुनता था कि नेट बहुत बड़ी चीज़ होती है, लेकिन जब कोचिंग में आया तो लगा कि हाँ नेट कैसे होगा, तो गुरु जी बताया कि ऐसे ऐसे पढ़िए, इसके साथ थोड़ा आप ये पढ़ लीजिए, थोड़ा ये पढ़ लीजिए, अगर थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो आप नेट भी हो जाएंगे और थोड़ा और वर्क कर देंगे तो JRF हो जाएंगे। तो मैंने कहा ठीक है, तो मैं कुछ बोलता मैं बहुत कम था और पीछे बिल्कुल बैठता था क्लास में, और लेकिन ये कि मैं जो बताते थे गुरु जी उसको जैसे मैं दिमाग में मेरे वो चलता रहता था, जैसे बोल दें थोड़ा GS पढ़ना, GS के लिए मैं GS वालों बच्चों से थोड़ा संपर्क करता था, थोड़े समय में कि ज़्यादा GS कैसे पढ़ा जाए, कौन सी किताब ठीक, तो कोई कहता लूसेंट पढ़ ले उतना काफ़ी है, और रीजनिंग थोड़ा मैं पहले मुझे जैसे शौक बस पढ़ा था तो उसका फ़ायदा मुझे इसमें होता था नेट JRF में, तो नेट 3 बार नेट हुआ यही कोचिंग से, फिर उसके बाद जब JRF हुआ तब तो बड़ी खुशी हुई कि चलिए एक समस्या ये हल हो सकता है कि PhD के लिए अप्लाई करेंगे और थोड़ा जो है आर्थिक जो समस्याएं होती हैं वो दूर होंगी, लेकिन ऐसा कोई आवश्यकता नहीं पड़ा, उसके पहले ही सिलेक्शन हो गया, और प्रयास भी नहीं किए कि PhD के लिए, 1-1.5 साल समय था लेकिन प्रयास ही नहीं कर पाए, क्योंकि मैं कोचिंग से हटना नहीं चाहता था, लोग कहते थे कि 6 महीने या 3 महीने आपको क्लास करने पड़ेंगे, तो उस वजह से जो है मैं फिर उसको भी छोड़ दिया, तो मेरा यही टारगेट था, खुशी तो बहुत हुई थी JRF होने के बाद, लेकिन मैंने कहा कि मैं कोचिंग नहीं छोड़ूंगा, बाकी जब तक कहीं ये एग्ज़ाम नहीं हो जाता 21 वाला उसके बाद ही तब मैं PhD के लिए प्रयास। आपको कैसे इतना विश्वास हुआ कि संस्था पे कि हम ऐसे श्रद्धा भाव से पढ़ेंगे हमें इतने रिजल्ट मिलेंगे, मतलब कहीं नकारात्मक सोच नहीं आई, बहुत सारे लोग तो नहीं टिक पाते हैं और घंटे भी नहीं पढ़ पाते हैं, तो आपके अंदर ये भावना नहीं है कि हमने इतना रिजल्ट दिया, 3 बार नेट, JRF और PGT, TGT, दिल्ली अधीनस्थ, एक किनारे से जो आपके रिजल्ट बने कहीं अतिशयोक्ति तो नहीं है, कि अंदर साहब से जो आपने मेहनत किया तो कुछ लोग नेगेटिव करने वाले तो नहीं आपको मिलते थे? सर समाज में नेगेटिव पॉजिटिव सब मिलते हैं, लेकिन अब मैंने कहा ना कि मैं बोलता कम था सुनता जाता था, तो मैं अब उसमें जो मेरे काम जो मुझे नेगेटिव लोग जो नेगेटिव मुझे थिंकिंग था कि जैसे जो नेगेटिव लोग थे उनसे मैं थोड़ी दूरी बना के रखता था, उनकी भी सुनता था, उनसे भी बात करना, उनसे भी दोस्ती यारी सब मैं रखता था, लेकिन उनका जो है थोड़ा मैं दूरी बना के रखता था उनसे, क्योंकि स्वाभाविक है अगर नेगेटिव इंसान है तो स्वाभाविक खुद नेगेटिव होगा, आपको भी नेगेटिव कर देगा, थोड़ा मैं ऐसे लोगों से दूरी बना के रखता था, और पॉजिटिव लोग से
से उनको भी जो निगेटिव थे उनको भी मैं समझाता बुझाता था कि ऐसे ऐसे करिए पॉजिटिव हो जाए, और कुछ लोग हुए भी। और अतिशयोक्त की जहाँ तक बात है सर, वर्क अगर हम किए हैं अगर उसका रिजल्ट ना मिले तो भाई वो तो अलग बात है, लेकिन अगर वर्क किए हैं लेट हो सकता है लेकिन रिजल्ट मिलेगा, इतना मुझे विश्वास है। और जब आपको अंदर से फीलिंग आने लगे कि मेरी तैयारी हो गई है, और अक्सर एक कहावत है कि एक जगह अगर आपका सिलेक्शन हो गया तो कई जगह हो जाता है, तो बाकी ऐसी कोई बात नहीं, अतिशयोक्त नहीं, ये सब जो है आपके मार्गदर्शन और हार्ड वर्क जैसा आप बोले वैसा किया गया उसका नतीजा है। अच्छा, आपको जब कैसे विश्वास इतना आ गया कि हम रहेंगे तो यहाँ पर सफल होंगे, क्योंकि आपने इंटरव्यू दिया तो कैसे इतना आपको विश्वास हो गया संस्था के प्रति कि हम जो है पढ़ेंगे, इतना रिजल्ट कैसे, आप इतना प्रेजेंट रहे और जगह नहीं आपने प्रयास किया, या कि किसी और कहने पे कोई ऐसा निर्णय कि ये पढ़ो वो पढ़ो, इसमें तो नहीं आप भटके? मैं स्टार्टिंग में आया था तो कोचिंग में मुझे कुछ यहाँ के बारे में बहुत ज़्यादा लोकेशन नहीं, बस मुझे जब मुझे यहाँ आना था मुझे इतना पता मुझे इलाहाबाद जाना है, वहाँ जाना है जाना, बाकी मैं यहाँ किसी को नहीं जानता था। तो जहाँ मैं रह रहा था वहाँ किसी से बात किया कि कोचिंग मुझे करना है कहीं बता दीजिए, तो उन्होंने किसी से संपर्क किया तो किसी को उन्होंने बताया कि वो बहुत तेज़ पढ़ाते हैं वहाँ, इनके बस की बात नहीं है, ये चले जाएँ वहाँ, सर का नाम लेके बताया कि वहाँ चले जाइए, वो आराम से पढ़ाते हैं वहाँ, उनके लिए ठीक है। तो मुझे उनकी बातों में वो लगा थोड़ा अहंकार की बू आई कि ऐसे क्या तेज क्या स्लो, मैंने कहा अब जो जहाँ उन्होंने मार्गदर्शन दे दिया है वहाँ जाने का तो मैं अब वहीं जाके पढ़ूंगा, मुझे आराम से पढ़ना, मुझे उड़ना नहीं है, मुझे धीरे धीरे चलना है, रेगना है अभी मुझे, उड़ना जो उसको उड़ना है उड़े, मुझे तो अभी रेगना है, अभी मैं यहाँ स्टार्ट करने आया हूँ। तो मैं कोचिंग में आया लेकिन मुझे समझ में नहीं, वापस चला गया, मैं जान ही नहीं पाया, कोचिंग ऊपर चल रहा था नीचे मैं ढूंढा उठा लेकिन समझ में नहीं आया, बात भी किया मैं ऊपर तक पहुँच ही नहीं पाया, फिर मैं रूम पे चला गया, फिर उसके बाद बाकी आप समझ ही रहे हैं कि किस कैसे कैसे जाल में भी मैं बचा और हुआ वो सब, लेकिन फिर भी लेकिन ये कभी मेरे मन में नहीं आया मैं कोचिंग छोड़ के चला जाऊँगा। हाँ, आपसे समय लिया बस टुकड़ों में कुछ हुआ जो है, लेकिन अंदर से कभी ये फीलिंग नहीं आई। और उनके लिए भी मैंने कभी कोई बददुआ नहीं की कि जिन्होंने मेरा वो पैसा खाया या उकल लिया, कि मैंने कहा चलिए ठीक है आपकी यही बात है जहाँ तक, फिर भी धीरे धीरे करके, लेकिन ये पॉजिटिव मैं अंदर से हमेशा रहता, तो बाहर देखने वाला मुझे कुछ भी देखे बोले लेकिन अंदर से मैं हमेशा पॉजिटिव ही था। अच्छा जयहिंद जी, आपके इतने रिजल्ट आए तो आपको दिल्ली अधीनस्थ में वहाँ सैलरी भी अच्छी मिलेगी, और आप ऐसा नहीं फीलिंग करते हैं कि हम यूपी की नौकरी ना करें, हम दिल्ली केंद्र पर नौकरी करें, और क्यों आपको अच्छा लग रहा है ये अपना ही प्रदेश? दिल्ली सैलरी ज़्यादा मिलेगी, सब कुछ ज़्यादा मिलेगा, लेकिन सर अपना समाज, अपना घर, अपना परिवार, अगर अपने परिवार में रह के आप नौकरी कर रहे हैं तो सबसे खुशी की बात ये है। और दिल्ली जैसे बड़े शहरों में आप जानते हैं कि वहाँ प्रदूषण, तरह तरह की समस्याएँ और समस्याएँ, सुविधाएँ तो मिलेंगी, और अगर वहाँ आपको ज़्यादा सैलरी मिल रहा है तो आपको ज़्यादा खर्चे भी होगी, लेकिन यहाँ यूपी की नौकरी में गांव में रहना, खाना, परिवार से जुड़े रहना, समाज से जुड़े रहना और ग्रामीण परिवेश में रह के पढ़ाना, यहाँ की नौकरी वहाँ की नौकरी में, वहाँ आप जाएंगे नौकरी करने पैसा ज़्यादा कमाएंगे, वहाँ आपकी उम्र प्रदूषण की वजह से कम 5 साल कम होगा और यहाँ रह के आप 5 साल ज़्यादा भी जी सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि समाज, परिवार और के साथ जुड़ के आप समाज के लिए भी कुछ कर सकते हैं, उनकी भी सेवा कर सकते हैं, यही मेरा है उद्देश्य था, नहीं तो फिर मेन उद्देश्य पैसा नहीं होता, अगर समाज के लिए कुछ किया जा सके। तो आपके घर में पहली नौकरी है? हाँ जी जी सर, पहली है और पहला मैं ही हूँ, मुझसे बड़े मेरे जो है बड़े भाई है संजय कुमार हैं और मेरे एक मामा के लड़के हैं। अच्छा, आपके पढ़ने में सहयोग में किसका ज़्यादा योगदान रहा आपका? सहयोग मेरे बड़े भाई का जो संजय कुमार जी हैं, पेशे से टेलर हैं, उनका बहुत बड़ा सहयोग रहा। जो भी है पिताजी मेरे लगभग आज 6 साल पहले एक्सपायर कर गए थे, तो सारा जो भी किसी भी तरीके जो भी मैनेज करते थे वही करते थे। माताजी का सहयोग रहा? माताजी का, फिर उसके बाद भाभी का, सबका, पूरे फैमिली का सहयोग रहा, लेकिन साथ साथ बहुत बड़ा योगदान मेरे जो है मामा मामी उनके लड़के अनिल कुमार। अच्छा, आपका जब इतने रिजल्ट बने होंगे तो सब लोग सुने होंगे तो आपको कैसा अच्छा आनंद आया? देखिए आपने, देखिए एक नौकरी तो मिलती नहीं लोगों को, लेकिन आपने शुरुआत से ही शुरुआत कर दिया कि 16 में
पीजीटी, टीजीटी, जीआरएफ, एलटी, जूनियर, एल टीम तो नहीं था आपका, तो इतना रिजल्ट, तो आपको वहाँ के लोग कैसा महसूस कर रहे हैं जो है? अब सर ये तो मैं प्रचार करता नहीं कि यहाँ यहाँ हो गया है, हाँ लेकिन ये है कि पता है जो मेरी फैमिली है, मेरे फैमिली जुड़े हुए जो मेरे खास है, ज़्यादातर मैं अपने मामा के यहाँ रहा हूँ, तो वहाँ बस अपने फैमिली और जहाँ मैं रहता हूँ मामा के पक्ष से, मामा मामी हो गए, भाई हो गए वहाँ के, तो इन सब से चर्चा कर लेता, बाकी मैं गांव में ऐसे से मतलब ये चर्चा करने का क्या मतलब है, करना आपको एक ही जगह है, तो ज़्यादा मैं इस सब पे चर्चा नहीं किसी से करता, बस इससे कोई मुझे इसका वो भी नहीं झेलना पड़ता, आलोचना भी नहीं झेलना पड़ता कि बहुत ज़्यादा होगा या कम होगा, ऐसा नहीं बोले, बस वही एक में जो है उसी में खुश। ठीक है, बहुत अच्छा लगा जयंत जी ने आपने जो ये आप लोग के बीच में आकर के बताए, और अभी तो अम्बेडकर नगर के रिजल्ट आप सुनने के शुरू किए हैं और बहुत सारे लोगों ने नाम किया है। देखिए आपने जिस कैटेगरी में आपने थे उसमें प्रवक्ता में 5वीं रैंक लाए और टीजीटी में इतना अच्छा, इतना टफ क्वेश्चन आया, उसके बावजूद आपने 90+ प्रश्न करके आपने पूरी यूपी में 23वीं रैंक लाया जनरल कैटेगरी में, इस तरह के आपने नाम रोशन किया है। तो आप सभी लोग ये जानिए कि जो मेहनत बेकार नहीं जाती है कभी, आपना जो समर्पण था, आपने जो मेहनत किया, देखिए इस तरह के रिजल्ट, बहुत सारे लोग आज आत्महत्या करने का प्रयास करते हैं कि हमें नौकरी नहीं मिलेगी, तो जय हिंद की बातों को सुन करके आप खुद समझ सकते हैं कि आपने देखिए कितना समर्पण भाव से पढ़ करके इतनी जगह स्थान बनाए, इसलिए हम भी बहुत खुश हैं। और अभी जिला अम्बेडकर नगर से तो हमारी स्पीच शुरू हुई है, बहुत सारे लोग पहला रैंक भी लाए हैं अपनी कैटेगरी में, तो आने वाले समय में उनसे भी परिचय कराएंगे। मेरा उद्देश्य प्रचार नहीं है, जो दुखी निराश हैं उनके जिंदगी में एक अच्छा आशा की किरण लाने का मेरा उद्देश्य है, और इसलिए जयंत जी आपको निरंतर परिवार की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं।